अपने शहर और आसपास की खबरें पाने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी वाले बटन को दबाएं। एक गज से ननकाना साहब से दर्शनों के लिए चला नगर कीर्तन, अमृतसर से लेकर पठानकोट से होता हुआ जम्मू तक जो समय तय किया गया था उसके हिसाब से संगतों के भारी कट द्वारा दर्शनों को लेकर रास्ते में देरी हो रही है, जिसके बावजूद भी संगत सड़क पर खड़ी होकर दर्शन करने के लिए इंतजार करती दिखी। जम्मू से चलकर अलग अलग जगहों से होता हुआ महान नगर कीर्तन फिर पंजाब के माधोपुर रास्ते में दाखिल हुआ, जो कि पठानकोट के सुजानपुर से होता हुआ निकला, जहां पर समूह संगत ने दर्शन किए। इसके बाद पठानकोट शहर में से नगर कीर्तन होते हुए अपने अगले पड़ाव होशियारपुर के मकेरिया के लिए रवाना होगा। बहुत अच्छा स्टेप है जो पंजाब की गवर्नमेंट और पाकिस्तान पंजाब की गवर्नमेंट जो स्टेप लिया है, क्योंकि सभी की ये इच्छा है कि ननकाना साहब जो एक हमारा तीर्थ स्थल है वहाँ पर हर कोई जाना चाहता है। इवन कि अभी कॉरिडोर भी ओपन होगा तो जहाँ से पठानकोट तो लगभग पूरा ही जाना चाहता है, और ये आपसी भाईचारे के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तानी प्रांत के जो हैं लोग वो भी हिंदुस्तान प्रांत के लोगों के साथ मिल के रहना चाहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का, इंडियन और पाकिस्तान गवर्नमेंट का। तो मैं बधाई देता हूँ मिस्टर मोदी जी को और मिस्टर इमरान खान साहिब जी को, ताकि ये दोनों मिल के चलें और दोबारा जो ब्रिटिश साम्राज्य ने अलग किया था दोबारा एक हो सके। तो ये धार्मिक तरीके से ही हम एक हो सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। ठीक है सर। नगर कीर्तन जो है पठानकोट पहुंचा है, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी उत्साह जो है वो आप में है, आपके स्टूडेंट्स में है, आपका क्या कहना है इस बारे में? बहुत बहुत एक्साइटमेंट थी हमारी, बहुत सुबह से यहाँ पे बच्चे खड़े हुए हैं, धूप में खड़े हैं। बच्चों को था कि ननकाना साहिब से आ रहे हैं, पता नहीं कब दर्शन होंगे गुरु ग्रंथ साहिब जी के, तो आज वो बहुत सुबह से खड़े हैं कि देखने के लिए कि हम गुरु साहिब जी के दर्शन करेंगे। और फिर बहुत धन्य हुए हम वहाँ से दर्शन करके, तो हम बहुत खुश थे। बहुत मौका अच्छा मिला हमें यहाँ से आने का दर्शन करने के लिए, और बहुत थैंक यू। दूसरे धर्म के भी लोग सभी आ रहे हैं गुरु जी के दर्शन के लिए। हम तो वैसे जा नहीं सकते थे, लेकिन गुरु जी हमारे पास खुद आए, हमें बहुत खुशी हो रही है कि वो हम उनके दर्शन कर पाए हैं। बेटा तू आ गया। एनकाउंटर पठानकोट से वरुण की रिपोर्ट।